हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेड टू इट्स मैग्नीट्यूड. कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 10 की वो पावर होती है जो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के काफ़ी क्लोज हो, मतलब काफ़ी करीब हो. सबसे पहले इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम उस क्वांटिटी को 10 के पावर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेते हैं. कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n, देन वी एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ n इक्वल टू n इंटू 10 पावर x, वेयर स्मॉल n ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5, देन वी कैन से दैट x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n. आला फर्स्ट वी चेंज एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 पावर x. आफ्टर इट वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है सबसे पहले उसको हम 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे कि अगर कैपिटल एन का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम कैपिटल एन को एन कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 10 पावर एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे. और इस तरीके से हम लिखते हैं कि वहाँ पे जो स्मॉल एन है वो हमेशा 0.5 से या तो वो बड़ा हो या तो वो 5 के बराबर या 5 से छोटा हो. मतलब एन की जो वैल्यू है वो हमेशा 0.5 से 5 के बीच या 5 तक होनी चाहिए. जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं. पहला एग्जांपल कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 मीटर, कि अगर हमें 8 मीटर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 8. अब देख रहे हैं 8 जो है वो हमारा क्या है, 0.5 से 5 के बीच में नहीं है, बल्कि ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है. तो ग्रेटर देन 5 है तो इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये क्या हो जाए, जो हमारा n है वो या तो 0.5 से बड़ा रहे या तो वो 5 से छोटा हो. जैसे यहाँ पे जो 8 है, 8 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड. 10 से जो डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 10 हमारा 0.8 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला 10 है उसको ऐसे ही रहने देंगे. अब 0.8 इंटू 10 पावर 1. अब यहाँ पे जो 0.8 है हम देख रहे हैं कि ये 0.8 क्या है, हमारा 0.5 से बड़ा है लेकिन 5 से क्या है, छोटा है. तो इसलिए अब यहाँ पे जो 10 की पावर है वो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम 49 सेकेंड का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना हो तो 49 क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि ये क्या हो जाए, 5 से छोटा हो जाए, 5 से छोटा रहे और 0.5 से बड़ा रहे. क्योंकि अगर हम 100 से इसको डिवाइड कर दें तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.49. और 0.49 क्या है, 0.49 जो है हमारा वो 0.5 से छोटा है, लेकिन स्मॉल एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए. इसीलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करके हम किससे कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड. 10 से मल्टीप्लाई जो किए हैं उसको वैसे ही रहने देते हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 49 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 4.9 इंटू 10 पावर 1, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं. और यहाँ पे देख रहे हैं 4.9 क्या है हमारा, 0.5 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है. तो इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ऐसे ही अगर हमें अगली क्वांटिटी इसको कन्वर्ट करना है तो हमेशा किसी का भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें हमेशा उस क्वांटिटी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा 10 के पावर के मल्टीपल के फॉर्म में.
और जो मल्टीपल होगा वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो 0 पॉइंट से बड़ा, 0.5 से बड़ा हो लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटा हो। फिर नेक्स्ट जैसे 0.135, तो 0.135, तो 0.135 0.5 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। जो मल्टीप्लाई किए तो 1.35 हो गया और डिवाइड वाले को ऊपर ले गए तो 10^-1 हो गया। अब 1.35 क्या है, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसलिए आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1 हो जाएगा। जैसे 0.05 है, 0.05 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, क्योंकि ये 5 आ जाएगा। अब ये 5 क्या है, 5 के बराबर तक हम ले सकते हैं, तो इसलिए आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है कि जैसे अभी हम पीछे देखे हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी को डेवलप करने के लिए हम क्या करते थे, फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते थे और फंडामेंटल क्वांटिटी पे कुछ पावर लगा दी जाती थी, उन्हीं पावर के हेल्प से हम डिराइव क्वांटिटी को डेवलप कर लेते थे। जैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस का पावर 1 और टाइम को ऊपर भेजा जाए तो टाइम का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो 1 है लेकिन अगर ऊपर हम लेकर चले जाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पावर 1 इंटू टाइम पावर -1 हो जाएगा। तो वो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को डेवलप करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर अप्लाई की जाती हैं उन्हीं पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस के पावर 1 तो लेंथ का डायमेंशन 1 हो जाएगा और टाइम पावर -1 तो टाइम का डायमेंशन -1 हो जाएगा। जैसे अब डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L होता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T होता है, तो L और T को ऊपर लेकर जाएंगे तो L पावर 1 T पावर -1, तो इसलिए डायमेंशन ऑफ स्पीड जो होगा, अब देख रहे हैं L की पावर कितना है 1 है, तो इसका मतलब कि लेंथ में कितना डायमेंशन है 1 है, तो आर 1 इन लेंथ और टी पावर -1 है, तो इसलिए -1 इन टाइम। और जो ये यल टी पावर -1 मिला है ये हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा कि हमेशा डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, बिग ब्रैकेट के अंदर हमेशा, अगर बिना ब्रैकेट के आप डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें डेंसिटी का कैलकुलेट करना हो तो डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम को हम वॉल्यूम का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है, लेंथ l होता है, ब्रेथ भी क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है, और हाइट जो है वो भी एक तरीके की लेंथ ही है, तो इसलिए इन तीनों का क्या हो जाएगा, यल 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 इंटू यल इंटू यल, यल पावर 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यल पावर -3। इसका मतलब कि जो डायमेंशनल फार्मूला है इसका डेंसिटी का वो यम यल पावर -3 हो जाएगा, और डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो मास के पावर 1 है, तो इसका मतलब 1 इन मास, एंड लेंथ के पावर -3 है, इसका मतलब -3 इन लेंथ। और कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशन ऑफ लेंथ मतलब डायमेंशनल फार्मूला जो है लेंथ का वो यल होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, टेम्परेचर का के होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल होता है। जैसे अगर अब आगे इसी तरीके से अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का कैलकुलेट करना, चाहे जिस भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें उस डिराइव्ड क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगा तो आसानी से हम उसमें जो फंडामेंटल फार्मूले मिलेंगे उन सब का डायमेंशनल फार्मूला लिख के हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब का जो दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है सेम होता है, एल टी पावर -1।
क्योंकि देखिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहिए तो वेलोसिटी बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक तरीके की लेंथ है, तो एल हो जाएगा अपॉन टाइम, उसका टी हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो एल टी पावर माइनस वन। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी को वेलोसिटी में से घटाएंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी में से अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो नई क्वांटिटी में हमें मिलेगी वो भी तो वेलोसिटी ही होगी ना। जैसे कुछ सामान रखा हुआ है, कोई भी मान लीजिए गेहूं रखा हुआ है, तो 10 किलो गेहूं रखा हुआ है, तो उसमें से अगर हम 5 किलो निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ 5 किलो है वो भी क्या, वो गेहूं ही रहेगा ना, कि ऑटोमेटिक वो चावल बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। घटाने या जोड़ने से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट में चेंजिंग आती है, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी वेलोसिटी ही होगी। तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लिख दिए एल टी पावर माइनस वन अपान टाइम का फार्मूला टी। अब इसको ऊपर भेज दिए तो एल टी पावर माइनस टू। ऐसे ही अगर हमें फोर्स का कैलकुलेट करना हो तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशनल फार्मूला एम, एक्सेलरेशन का भी ऊपर कैलकुलेट किए एल टी पावर माइनस टू, तो क्या हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस टू। अगर इसका डायमेंशन हम पूछें तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर पूछा जाए तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वन इन मास, कि मास में वन है, वन इन लेंथ, क्योंकि देखिए यम लिखिए या यम पावर वन दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ यम की पावर वन है, इसका मतलब मास में डायमेंशन वन है, यल का डायमेंशन वन है और टी का डायमेंशन माइनस टू है।